एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसका नाम है अलार्म मोड। आपको ये गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इसकी रेटिंग 4.5 दी गई है, अच्छी एप्लीकेशन है। चलिए इसको इंस्टॉल हो गया, चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैसेज भी कह दिया है कि आपका फ़ोन को कोई छुएगा या तो उसका फ्रंट कैमरा उसका फोटो कैप्चर निकाल लेगा। चलिए इसको अलाउ कर देते हैं, इसको भी अलाउ कर देते हैं, अलाउ। यहाँ मोशन पे क्लिक कर लीजिए या इधर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दी गई है। इधर मोशन पे क्लिक किए तो फर्स्ट टाइम क्लिक किए तो वहाँ पे पिन सेट करना पड़ता है। चलो आ गया गो टू सेटिंग। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे तो यहाँ पे आपको पिन सेट करना पड़ता है। चलिए हम लोग भी पिन सेट कर देते हैं। चलिए पिन नंबर डाल देते हैं कौन सा भी। ओके, यहाँ मोशन या फर्स्ट ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसको टेस्ट टिक करते हैं। अगर आपका फोन को ये एक्टिव करके रखे तो आपका मोबाइल को कोई आकर छुएगा तो ये अलार्म बजने लगेगा। चलिए तो किस तरह साइरन बजने लगेगा। चलिए एक एक ऑप्शन आपको इस तरह से बताऊंगा। यह पहला ऑप्शन मोशन है, अभी देखे होगा। और सेकंड ऑप्शन प्रोक्सीमेट्री। जब भी आप ये एक्टिव करके रख लेते हो ना जेब या बैग में रखते हो कोई वहाँ से निकालते हो ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा। और थर्ड ऑप्शन है चार्जर। अगर तुम चार्जर रख के चले जाते हो वो चार्जर निकाल कोई भी निकाले तो वो साइरन बजेगा। यहाँ सिम कार्ड भी निकाले तो बजेगा। अगर ये लास्ट में देखा गया एयरफोन, अगर तुम एयरफोन लगा के रख देते हो या गाना सुन रहे हो कोई भी निकाले तो अलार्म बजेगा। और एसडी कार्ड भी है, अगर आपका फ़ोन में एसडी कार्ड निकाले तो भी इस साइरन बजने लगेगा।